नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। इस ऑनलाइन दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। तो क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। और आज मैं आपको पीरियोडिक टेस्ट जो हमारी तरफ हमारे स्कूल में हुआ है 10/3/2003 को, इसके मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और इसके बाद 6, 7, ठीक है, 6 तक कराए थे, 7वां मैंने कहा 3-3 नंबर वाले बाद में करा दूंगा, तो 3-3 नंबर वाले 7वां, 8वां, 9वां, 10वां आज करा दूंगा। और यहाँ पे देखिए मेरे पास साइंस के हैं, उम्मीद है मैं जल्द ही इसको भी सॉल्व कर दूंगा आपको, ठीक है। ये वाले भी हैं, ठीक है, तो ये वाले भी आपके साइंस के, सोशल साइंस के हैं, ठीक है, तो इन्हें भी मैं सॉल्व करके जल्दी इस तरफ नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, ये 20 नंबर का था, लेकिन आपका 40 और 80 जिस हिसाब से बच्चे बता रहे, तो वो पीरियोडिक टेस्ट मुझे कम वो SA1 ही लग रहा है आपका। तो और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो 7 से शुरू करेंगे, 6 मैं करा चुका हूँ, जिसको अगर नहीं मिल रहा तो मैं वीडियो जो है कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप चेकआउट कर लेना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6। चलते हैं 7 पे, इस बच्चे ने लगता नहीं किया है, इसने क्रॉस कर दिया है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और करना शुरू करते हैं। आवाज तो मेरी बहुत ही प्यारी लग रही है मेरे को, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 25 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो इसे शुरू करने के साथ मैं आपको ये भी बता दूं चीजें कहां से आई हैं। वर्कशीट खोलेंगे, अरे यार वर्कशीट नहीं, सपोर्ट मटेरियल, तो ये आपका खुलेगा सांख्यिकी वर्कशीट 48 में देखेंगे, तो जल्दी से खुल जाए वर्कशीट 48, ये रहा आपका वर्कशीट 48, ये रहा सांख्यिकी में से आया हुआ है, सांख्यिकी में आया हुआ है, सांख्यिकी में देखेंगे ये चीजें यहाँ पे ध्यान से लगानी है। कौन सी चीजें हैं आपकी? यदि प्रेक्षणों की संख्या एन विषम है तो माध्यक कैसे बोले n+1/2 पद, अगर सम है, विषम के लिए n+1/2 पद कर देंगे आपका आंसर सिंपली आ जाएगा, लेकिन अगर सम है तो आपका लगाने के लिए n+2 पद + n+2+1 पद, अब कुल के बटे में 2। अब ये आपका क्वेश्चन देखो इस प्रकार आया है आपका, यहाँ से आपका सपोर्ट मटेरियल भी है आपका, देखो ये रहा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ सम है, ठीक है। अब आपके यहाँ देखते हैं ये वाला किस प्रकार से आपका आया है। तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 25 है तो x का मान, और ये भी आरोही क्रम में होते हैं, इन्होंने लिख नहीं रखा लेकिन ये आरोही क्रम में होता है आपका। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हैं आपके? 10, मतलब ये सम है। सम है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई साहब? फॉर्मूला इधर आ जाइए, इधर आइए भाई साहब जल्दी, ये रहा ये लगाएंगे ये वाला। अब लगाएं कैसे आपको लगाना, मैं जल्दी से बताता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे आपका लिखे 10वां पद / 2 और 10वां पद / 2/3, तो 10वां पद कौन सा इसमें आपका, ध्यान से देखें, 10वां पद है आपका 2/5, मतलब 5वां पद। अब यहाँ पे देखें 5वां पद हो जाएगा ना, 10वां पद / 2, 10वां मतलब 10/2 = 5, तो 5वां पद हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखेंगे 5वां पद कौन सा है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, x+2, तो आपका और माध्यक 25 दे रखा है, तो यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, सिंपली 25 हो जाएगा, बराबर में 10वां पद क्या है आपका, x+2, तो x+2 हो जाएगा, 10/2 मतलब कि 5वां + 1, छठा पद क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, x+3, ठीक है, तो x+4 हो जाएगा, ठीक है, x+4 फिर 2 हो जाएगा, 2 मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है, बराबर में x x 2x, 4 2 6, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 50 - 6 बराबर में 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 44, बिल्कुल सही, बराबर में 2x, x यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे के साथ, 44 / 2 = x, देन x = 22, ठीक है, यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब खास बात है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, वहां पे एंगल क्यू बराबर 75 डिग्री का है, 75 हिंदी में अंश, पी क्यू प्लस पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो इसकी रचना कीजिए, रचना कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, वर्कशीट पहले से ही है, वर्कशीट नंबर 63 क्वेश्चन नंबर, इन बच्चों को तो अच्छा है ना, कम से कम वर्कशीट में से आ रहा है।
और एक त्रिभुज की पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 75, ठीक है, और पी क्यू प्लस पी आर बराबर 13। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 13 मेरा सब कुछ सेम सेम चल रहा है, क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल क्यू बराबर 75, ठीक है, तो सेम टू सेम है। अगर इस चीज़ को क्वेश्चन को देखना है, और मैं वहाँ पर जाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने 7 के साथ सॉल्व किया, यहाँ पर करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और आपने पहले भी कर रखा ये भी याद दिलाना चाहता हूँ आपको, वर्क नंबर 63 लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों अब तो होशियार हो ही चुके हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है, भुजाएं बाइसेप्स दिए गए हैं उसके, और इसके 3 बाइसेप्स होती हैं, अच्छा जी 3:5:7 है, और इसका परिमाप जिसका कोई माप ही नहीं, परि मतलब भारी माप होता है बच्चों, ठीक है, 300 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करा लो, क्यों नहीं ज्ञात, अभी भी करेंगे PT1 में, PT2 में, Mid Day 1 में, Mid Day Meal याद आ जाता है, Mid Term कहना क्या, तो Mid Day Meal याद आ रहा है मेरे को, है इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि सब कुछ दिखाई दे, मैंने थोड़ा सा बना लिया है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है तो क्वेश्चन नहीं लिख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज है आपका ABC मान लिया है, A=3x, B=5x, C=7x, और परिमाप आपका 300 दिया ही गया है, 300 सेंटीमीटर है, लास्ट में लिख देंगे, और यहाँ पर आपका 3x + 5x + 7x = 300 है, ठीक है, तो 7 × 10 = 15, 15x = 300, ठीक है, x = 300/15, 15 × 15 = 30, ठीक है, x = सेंटीमीटर में देख लेता हूँ एक बार, अभी पेपर तो वहाँ चला गया है, ठीक है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो 3x = हो जाएगा 3×20, 5×20 और 7×20, ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ा देते हैं इसे, 3×6 = 60 सेंटीमीटर, 5×10 = 100 सेंटीमीटर, 7×14 = 140 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो जल्दी से इसका क्षेत्रफल तो निकाल ही लेते हैं हीरोन के सूत्र से। तो पहले S बराबर निकालेंगे, S बराबर परिमाप होता है, परिमाप बटे दो परिमाप निकालेगा, परिमाप आपका 300 दिया ही गया, 300 = 150, ठीक है, तो जल्दी से इसका लगा लेते हैं हीरोन सूत्र, ठीक है। (15)/(0)√3 और cm², ये आपका आंसर हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है, ये आपके लग गया, यहाँ से उतार सकते हैं, उम्मीद है आपने पहले भी कर लिया होगा, जिस बच्चे ने कर रखा वो ध्यान से देख सकता है हीरोन का सूत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है, वर्कशीट 59, सेम क्वेश्चन आप कर चुके हैं वर्कशीट नंबर 59 में, तो वर्कशीट नंबर 59 हाजिर हो, वर्कशीट नंबर 59 एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो जाएगा, वर्कशीट नंबर 59 देखेंगे, वर्कशीट नंबर 59 यही है, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है, समझ रहे हो, तो ये चीज़ हम पहले भी सीख चुके हैं, तो ये चीज़ आपको यूटी में आ गई है, हो सकता है आपको मिंटर में भी ये वाला दे सकते हैं, मान लीजिए कि सिद्ध यही करना, मान लीजिए कि ठीक है आकृति में पी और क्यू को मिलाकर एक जीवा है, ठीक है, यहाँ पी और क्यू एक जीवा है, और यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए बनता है, और ये वाला एंगल इसके दोगुने के बराबर है, तो यहाँ से आप चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, और वर्कशीट नंबर 59 पढ़ते समय ये हमने कर भी लिया था, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट पढ़ भी लिया जाएंगे आपको, वर्कशीट नंबर 59 आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा, और सर्च करोगे वर्कशीट नंबर 59 मैथ्स माई सीबीसी क्लास तो हाजिर हो गया आप
आपके सामने, तो इसको साइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा इसकी, ठीक है, सोशल साइंस नहीं भाई साहब, साइंस आएगी आपके नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। और आपने जो सॉल्व किए होंगे वो तो अच्छी बात है, जो मेरे पास है उसे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंट्स पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन और पेपर में भी आए हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये हैं कुछ, अगर आपको यहाँ से अगर सॉल्व करने की जल्दी है तो उसे उतार के जल्दी से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगा मैं इसको भी वर्कशीट के थ्रू समझाऊँगा कि आप पहले भी इस चीज़ को कर चुके हैं, और ये आपका SST का ये सोशल साइंस, ठीक है, स्टडी नहीं आती साइंस आती है, SST कहाँ चला गया भाई, ठीक है। तो 10 यहाँ पे हैं और आपके चलो पीछे तो है नहीं, देखो घुमा फिरा के फिर मित्र और धीरज नाम बताए यार यार बार भाई साहब आते हैं ये, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको पढ़ के अच्छी लगी होगी, और हाँ ये भी पता है कि आप सबसे क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम नहीं है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स है अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तभी तो टीचर ने आपके इसमें दे रखा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए इस प्रकार से, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में साइंस की PT2 को लेकर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय भारत।